हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल अभी खिले हुए हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। अभी मैं कुछ पौधे आपको दिखा रही हूँ जिस पे फूल खिले हुए हैं। तो ये देखिए, ये मेरे चाइनीज उड़ल है जिस पे कि कितने अच्छे से फूल खिल के आए। इस पे लगभग डेली 4 से 5 फूल खिलते हैं, जो कि सुबह सुबह देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये उड़हल मेरी बहुत अच्छी कटिंग के बाद बहुत अच्छी हो गई है और इस पे कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई है। देखिए, मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी वाइट वाली उड़हल जिस पे कि इस पे भी देखिए 3-4 कलियाँ एक साथ इस बार बन के आई हैं। इस पे भी बहुत सारे फूल खिल चुके हैं एक बार, और फिर से दोबारा इस पे कलियाँ बनी है। ये तो बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं। और उसके बाद ये देखिए, एक पिंक कलर के बड़े वाले उड़हल हैं, इस पे भी बहुत सुंदर फूल, डेली लगभग इस पे एक फूल हमेशा ही खिलते हैं। और इसमें ये देखिए, ये जैस्मीन बेला है, इस पे एक बार तो फूल खिल के सारे ही ये हो गए, तो मैंने सबकी पिंचिंग कर दी है, तो फिर से दूसरी बार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें दोस्तों, जब भी आपके फूल खिल के आप ये हो जाए, तो आप इसकी पिंचिंग जरूर कर दें। पिंचिंग करने से इसमें फिर एक जगह से 2 ब्रांच निकलेंगे और फिर उसमें कलियाँ बनेंगे। तो इसमें मेरे दूसरी बार इसमें फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी पौधे की पिंचिंग करते रहें जो इस टाइप के हैं, इसके फिर सदाबहार ये सब के पिंचिंग करते रहें, तो इसमें फूल खिलेंगे अच्छे से। और ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसके कलर इतने प्यारे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये इसके डबल पेटल वाले ये हैं अपराजिता। और ऐसे तो मेरे पास 3 कलर है, एक और कलर मैं दिखा रही हूँ। इसमें देखिए कलियाँ कितनी सारी बनी हुई है। एक ये है और एक लाइट पर्पल कलर के हैं, पिंक कलर के हैं और एक वाइट कलर के हैं, 3 हैं मेरे पास। और इसमें भी देखिए कलियाँ कितनी बनी हुई है, ये देखिए लाइट पिंक कलर के हैं। तो सभी के तो पौधे निकल गए, मैं बीज कलेक्ट करके रखी नहीं, मैं बीज सीधा गमले में ही डाल देती थी, तो पौधे निकल गए। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसे मैं बुशी बना रही हूँ, इसके ऊपर से मैं पिंचिंग करते रहती हूँ हमेशा, कि ये बुशी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसीलिए मैं इसे बुशी बना रही हूँ। तो इसमें मैं वाइट कलर के भी एक साथ ही लगा दूंगी। मैं इसे एक गमले में लगा के रखी हूँ, तो दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने इसे गमले में लगाया है और इसे मैं ऊपर से हमेशा पिंचिंग करते रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे लगाया है वाइट वाले की, मैं दिखाऊंगी। वाइट वाले अभी नहीं खिले हैं, आज आज यही 2 खिले हैं, और बाकी सारे पौधे भी मैं दिखा रही हूँ। और मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं कौन से इसमें कंपोस्ट डालती हूँ, हमेशा ही मैं फर्टिलाइज़र ये सब भी शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो मैं फूलों वाले पौधे में सभी में वही कंपोस्ट डालती हूँ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और ये गुलाब देखिए, गुलाब में भी कलियाँ भी आ रही हैं और अभी फूल भी खिले हुए हैं। इसमें छोटे फूल हो गए पर फूल अभी भी इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह से मेरे सभी पौधे में थोड़े थोड़े करके फूल अभी खिल रहे हैं। ये देखिए, मेरी अडेनियम वही वाली अडेनियम है जिसकी मैंने पूरी कोटेक्स की कटिंग कर दी थी, तो मुझे डर भी लग रहा था, पता नहीं ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, पर इसमें देखिए बहुत सारे ब्रांच निकल के आए हैं और कलियाँ भी बन गई हैं। तो इसमें भी अब फूल खिलने ही वाले हैं, देख के बहुत मन खुश होता है। और ये मेरी कड़ी लीव है, इसके भी देखिए कितने सारे ब्रांच इसमें भी निकल के आए हैं।
नाग चंपा की भी मैंने कटिंग की थी। नाग चंपा भी काफ़ी अच्छे, देखिए इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। मैंने सभी पौधे की पिंचिंग कटिंग सब किए हैं और सदाबहार भी मैं दिखाती हूँ। एक पौधे हैं जो कि काफ़ी घने हो गए हैं, ये देखिए काफ़ी घने हो गए। तो दोस्तों अगर इससे बुशी बनाना चाहते हैं तो इसकी पिंचिंग करते रहिए, और इसमें बहुत सारे फूल डेली खिलते हैं तो मैं फूल तो तोड़ लेती हूँ। और उसके बाद देखिए एक ही पौधे हैं ये, और पूरे गमले भर गए। हैंगिंग बास्केट में मैं लगाई हूँ तो गमला दिखता ही नहीं है। इस तरह से आप इसकी पिंचिंग करते रहें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और ये है बेबी सनरोज, ये तो मत पूछिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी पत्तियाँ इतनी चमकदार होती हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें फूल खिले या ना खिले बहुत प्यारे लगते हैं ये, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने गार्डन में कुछ पौधे आप सभी को दिखाए हैं। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।